ओके गाइस ओके सो काउंट स्क्वायर सब मैट्रिक्स विथ ऑल वर्स ठीक है ये क्वेश्चन है ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है एक्चुअली है ना ये क्वेश्चन ना बहुत सिमिलर है विद मैक्सिमल स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन के ठीक है उसका इनफैक्ट छोटा भाई है ही है ना छोटा भाई है उसका तो आपने आ, मैंने ऑलरेडी आई मीन मैक्सिमल स्क्वायर पे वीडियो बना रखी है अगर आपने वो कर रखा है क्वेश्चन मेरी वीडियो देख रखी है मैं लिंक में भी डाल आई मीन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका तो वो कर रखिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है ठीक है उस वाले मैक्सिमल स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम स्क्वायर बताना होता था

Brute, brute देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे सब बना के अच्छे से देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना पार्ट टू उसमें हम देख लेंगे इसका टेबुलेशन मेथड ठीक है टेबुलेशन मेथड के बाद अच्छा तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से है ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ठीक है तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी ना बाइनरी मैट्रिक्स मिलेगी यानी जीरो या वन के फॉर्म में जीरो या वन ही होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर चलो तो कुछ उसकी रो होगी कुछ उसकी कॉलम होगी आपको क्या करना है ना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अच्छा क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर के कि यार ये वन बाय वन का एक स्क्वायर है ठीक है ये भी वन बाय वन का एक स्क्वायर है ये भी वन बाय वन का स्क्वायर है ना ओके हमको वन बाय वन के स्क्वायर मिल रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तो एक तो कुछ ये स्क्वायर्स हैं, ओके फाइन और क्या है हमारे पास क्या हमारे पास कोई टू बाई टू के भी स्क्वायर्स हैं? यार एक टू का स्क्वायर तो ये रहा एक टू का स्क्वायर ये रहा है ना और है क्या कोई टू बाय टू का स्क्वायर एक टू का स्क्वायर ये भी तो है ना एक टू का स्क्वायर ये भी है ना चलो तो कितने टू बाय टू के स्क्वायर हो गए अभी वन बाय वन के कितने हो गए पहले देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस टेन तो हो गए वन बाय वन के और ये रेड वाला एक दो तीन चार आई थिंक चार हो जाएंगे टू बाय टू के ठीक है और हमारे पास कोई थ्री बाय थ्री का भी है क्या थ्री बाय थ्री का देखो जरा एक थ्री बाय थ्री का ये भी है ना ये बड़ा सा थ्री बाय थ्री का एक भी है तो एक हमें मिल गया एक हमें मिल गया क्या थ्री बाय थ्री का भी मिल गया तो टोटल कितने हो गए टेन प्लस फोर प्लस वन दट इज फिफ्टीन तो हमें रिटर्न करना है हमें स्क्वायर्स मिल रहे हैं टोटल तो हमें रिटर्न करना है तो गे? ये क्वेश्चन है ठीक है उस वाले केस में क्या करना था मैक्सिमम स्क्वायर में स्क्वा ग्रीन वाला जो है मैक्सिमम है थ्री बाय थ्री का तो इसको रिटर्न करना था है स्क्वा थ्री बाय थ्री आई मीन ये थ्री रिटर्न करना था थ्री बाय थ्री का हमको स्क्वायर मिल गया ठीक है तो ये क्वेश्चन है तो कैसे कर रहे होंगे ना कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो जो तो सबसे पहला तरीका हमारे माइंड में आता है यार ब्रूट फोर्स है जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे माइंड में आती है कि ठीक है एक काम करेंगे सबसे सारी जगह जाएंगे मैट्रिक्स के और सारी जगह जाके पता कर लेंगे कि उस मैट्रिक्स से शुरू होने वाले कितने स्क्वायर्स हैं ठीक है ठीक है तो मैं सारी जगह जाता हूँ मैं सारी जगह ही जाता हूँ ठीक है मैं इधर गया ठीक है इधर गया तो इससे पूछूंगा कितने आ, कितने स्क्वायर होंगे भाई जो तेरे से शुरू होंगे भाई जीरो है जीरो से शुरू होने वाला कोई स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता ना नहीं हो सकता जीरो से शुरू होने वाला तो कोई स्क्वायर नहीं होगा कम से कम स्क्वायर होने के लिए आपको होना चाहिए बाय बाय के 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 स्क्वायर स्क्वायर लिए लिए है ना अगर उसे बाय का स्क्वायर होना है तो इधर भी एटलीस्ट वन होना चाहिए इधर भी एटलीस्ट वन होना चाहिए इधर भी एटलीस्ट वन होना चाहिए तो वो टू बाय टू का होगा उसे थ्री बाय थ्री का होना चाहिए तो इधर 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 और इधर भी होना चाहिए और टू बाय टू का तो होना ही चाहिए एंड वन बाय वन का तो होना ही चाहिए ठीक है तो कुछ ऐसे ऐसे करके ये ये प्रॉब्लम है ठीक है तो मैं हर जगह ना हर जगह जाऊंगा हर जगह जाऊंगा हर इंडेक्स पे जाऊंगा हर इंडेक्स पे जाऊंगा और हर इंडेक्स पे जाके पूछूंगा कि तेरह से शुरू होने वाले तेर से शुरू होने वाले कितने स्क्वायर्स हैं जब मुझे जब मुझे सारी जगह से पता चल जाएगा कि इससे इससे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं 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 मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो इससे ये वाला वन देखो इससे एक तो वन बाय वन का स्क्वायर ये बन रहा है इससे एक टू बाय टू का स्क्वायर भी बन रहा है इससे एक थ्री बाय थ्री का भी स्क्वायर बन रहा है तो जो ये वाला वन है ना इससे हमको मिल मिल रहे हैं, है तीन मिल रहे हैं हैं है ना सिमिलरली सिमिलरली इस वाले वन से हमको वन बाय वन का मिल रहा है टू बाय टू का मिल रहा है थ्री बाय थ्री का नहीं मिल पा रहा क्योंकि फिर आगे तो कुछ बचेगा नहीं थ्री बाय थ्री में मेरे को रोज तो मिल रही है पर कॉलम्स नहीं मिल रहे है ना कॉलम्स नहीं मिल रहे तो ये वाला वन से हम जब अपना पॉइंटर यहां से उठा के यहां पे जाएंगे ना यहां से उठा के जाएंगे तो ये वाला वन बोलेगा कि भाई मेरे से तो मेरे से तो दो स्क्स बन रहे सबसे कैलकुलेट करूंगा कि तेरे से कितने बन रहे हैं तेरे से कितने बनना हैं सबसे जाके पूछूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये कर रहे होंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स अप्रोच में हर जगह जाना पड़ेगा हर हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा तो हर इंडेक्स पे जाने के लिए हर इंडेक्स पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दो फोर लूप लगाने पड़ेंगे ना दो फोर लूप लगाने पड़े दो लूप लगाने पड़ेंगे कोई भी ठीक है तो दो लूप लगाएंगे तो दो लूप लगाने में मेरी एम क्रॉस एन हो जाएगी ठीक है अगर ये इसकी एम uh, रोज है और एन कॉलम्स है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओनली मुझे सिर्फ जाने में सिर्फ पहुंचने में कि अभी मैं इससे पूछूंगा तेरे से कितने है? पर मेरे को इस इंडेक्स पे पहुंचने में एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी ठीक है अब अगर मैं इस पे संभाव पहुंच भी गया पहुंचने के बाद मैं पूछूंगा भैया अब तू बता अब तू बता कि तेर से कितने बन रहे हैं तो उसके लिए एक पॉइंटर रखेगा अपना अच्छा मेरे से कितने बन रहे हैं तो मेरे से वन बाय वन का बन रहा है क्योंकि मैं बनू फिर मुझे टू बाय टू का बनाने के लिए चारों तरफ जाके देखना पड़ेगा थ्री बाय थ्री के लिए मुझे उसके आगे जाना पड़ेगा तो ये वाला रेड पॉइंटर के लिए ये वाले रेड पॉइंटर को मूव करने के लिए मुझे फिर से अगेन दो फोर लूप या दो लूप लगाने पड़ेंगे तो एट द एंड एट द एंड ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है इससे हमारी जो टेम कॉम्पलेक्सिटी ना वो एम स्क्स एन स्क्वायर होने वाली है ठीक है क्योंकि हम uh, एक मैट्रिक्स में चार बार ट्रेवर्स एम टाइम्स रो और एन मतलब टाइम्स जो है iterate कर रहे होंगे ठीक है तो यार ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये तो आप कर ही लोगे ये वाली वा प्रोसेस सॉल्व नहीं करना आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पहले इसको रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैं इसको रब कर देता हूं ठीक है गाइस ठीक है तो कैसे कर रहे होंगे यार कैसे कर रहे होंगे रिकर्जन से कैसे कर रहे होंगे ठीक है रिकर्जन में भी वही करेंगे हम काम हर जगह जाएंगे हर जगह तो हमें जाना ही पड़ेगा है ना हर जगह जाना ही पड़ेगा तो हर जगह जाके हर जगह जाके देखें हम ना अपना एट द एंड एम स्क्वायर में दिखा देता हूँ एम स्क्वायर स्क्वायर से ना अपनी कॉम्प्लेक्सिटी एम क्रॉस एन लेके जाएंगे है ना जब ये सब मेमोरिशन वगैरह कर लेंगे तो यहां पे पहुंच जाएंगे चलो तो ये सब हम इसको एम अच्छा देखो, देखो। वही क्वेश्चन अपना पुराना पूछेंगे हर इंडेक्स पे तो कैसे करेंगे करें अगर ये जीरो है तो भाई इससे तो कोई स्क्वायर बनेगा नहीं है ना जीरो की तो बस की है स्क्वायर बनाना क्यों क्योंकि यार ये ना तो वन बाय वन का तो बना ही नहीं सकता अगर ये वन बाय वन का नहीं बना सकता तो टू बाई टू का भी नहीं बना पाएगा ये है ना

तो अगर मेरे को जैसी वन मिलता है ना तो मैं कह दूंगा यार एक स्क्वायर तो मिल गया इज वन बाय वन का तो मुझे मिल गया अब मुझे पता है क्या करना है अब मुझे तीनों जगह इसके ये वाले तीनों डायरेक्शन में जाके पूछना है कि तू मेरे को बता भाई तेर से कितने बनेंगे तू बता तेर से कितने बनेंगे तू बता तेर से कितने बनेंगे मैंने इससे क्यों नहीं पूछा ये क्या मेरा दोस्त नहीं है क्या देखो बेसिकली करके रहे हम हम वन बाय वन के बाद क्या करते हैं टू का चेक करते हैं ना तो टू बाय टू का अगर ये स्क्वायर बनाएगा तो हम पता क्या है? कर रहे हैं कि ये बॉट ओ सॉरी टॉप लेफ्ट पे जो वन में ही है न, तो यहां पर तो चेक करने की जरूरत ही ना इसलिए हम तीनों डायरेक्शन में पूछते हैं ये वाले तीनों डायरेक्शन में ना कि इधर चलो बेसिक सी चीज थी फिर भी मैंने बता दी अच्छा तो तीनों डायरेक्शन में जाके पूछेंगे तू मेरे को बता कि तेरह से कितने स्क्वायर बनेंगे तू बता तेर से कितने बनेंगे तू बता तेरह से कितने बनेंगे ये बताएगा मेरे से कुछ एक्स स्क्वायर बनेंगे ये बताएगा मेरे से कुछ वाई स्क्वायर्स बनेंगे ये बताएगा मेरे से कुछ जेड स्क्वायर्स बनेंगे तो जो भी स्क्वायर्स बनेंगे फाइनल आंसर हम पे पता क्या लिखेंगे एक तो चलो मैं वन बाय वन का बना ही रहा था तुम तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वन प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई एंड जेड वही मेरा आंसर होगा अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने ना ये क्या मैजिकल चीज लिख दी मैंने मिनिमम मिनिमम क्यों होगा मैक्सिमम और कुछ क्यों नहीं होगा ये मिनिमम वाला है चलो तो इसके लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हैं और फिर सॉल्व करते ठीक है तो चलो वेट करो ओके ओके गाइस ये ये वाला यह वाला देखो इससे आपको अच्छे समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको ये मिनिमम वाला लोचा ना मिनिमम वाला लोचा थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा एक्चुअली अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लेट सपोज करो आपको पता करना है कि इस वाले वन से इस वाले वन से आप कितने स्क्वायर बना सकते हो ठीक है कितने स्क्वायर बना सकते हो तो एक स्क्वायर तो आपको वन मिल गया तो एक तो बना सकते हो ठीक है उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ये वाली डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन में और ये वाली डायरेक्शन में आप इन तीनों वन से पूछोगे कि, कि बेटा तू तु बता तुम तीनों कितने स्क्वायर बना सकते हो ठीक है तीनों डायरेक्शन से तुम्हें आंसर मिलेगा तो यार अभी तुम देखो खाली तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला वन कहेगा कि यार मैं तो वन बाय वन की ही बना सकता हूँ डेट इज एक स्क्वायर बना सकता हूँ ये वाला कहेगा कि मैं भी वन बाय वन की बना सकता हूं डैट इज एक स्क्वायर बना सकता हूँ और ये भी वन बाय वन की बना सकता हूँ एक बना सकता हूँ ठीक है तो ठीक है वन बाय वन की बना सकता हूं तो इनमें से मिनिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा इनमें से मिनिमम भाई तीनों वन 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 का मिनिमम क्या होता है वन ही होता है ना तीनों ही सेम है तो आप क्या कहोगे ना ठीक है तीनों का वन होता है तो मैं वन प्लस वन डेट इज वन प्लस मिनिमम ऑफ वन 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 टू साइज का टू साइज का स्क्वायर बना सकता हूं ठीक है टू साइज का 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 मैं भी भी स्क्वायर बन क्रॉस बना सकता और टू क्रॉस टू का भी बना सकता हूँ तो यहाँ पे हमें दो स्क्वायर्स मिल गए अच्छा ठीक है थोड़ा सा ऊपर से गया मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं समझे तुम वो अब समझोगे एक सेकेंड में इसको रब कर दू वाला थोड़ा सा इन तीनों ना जीरो जीरो की जगह में वन 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 लिख देता हूँ वन 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 लिख देता हूँ ना वन 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 अच्छा और क्या करता हूं इन चारों वन 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 की जगह ना एक चीज कर देता हूं सिंपल सी यहां पे, भी वन, यहां पे भी वन यहां पे भी वन पर यहां पे वन की जगह ना मैं जीरो लिख देता हूं यहां पे वन की जगह मैं जीरो लिख देता हूं ठीक है अब देखो अब देखो दुविधा ये वाला वन बाय वन का तो बना सकता है वन बाय वन का तो बना सकता है उसके बाद ये पूछेगा अपने तीनों भाइयों से कि भाई तुम तीनों मुझे बताओ कितना ये वाला वन बोलेगा ना भाई मैं ना

मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ क्या होगा जीरो टू एंड थ्री जीरो मैं वन बाय वन का तो बना लूंगा पर जब मैं अपना एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा ना मुझे पता है कि आगे सब जगह वन है इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं कि यहां पे भी वन है हर जगह वन है हर जगह वन है जहां देखो वहां तक वन है पर लोचा कर दिया, दिया, दिया। जैसे टू टू एक्सपेंड तो नहीं होने दिया ये टू बाई टू की सक्सेसफुली मेरे को कंस्ट्रक्ट नहीं करने दी मैट्रिक्स डेट्स वाई मैं, मैं कह सकता हूं कि भाई यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ और आगे चेक करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है जब तुम टू बाई टू की नहीं बना सकते थ्री बाय थ्री की या फोर बाई फोर की नहीं बना पाओगे तो इसी चीज की वजह से इसी चीज की वजह से हम क्या ले रहे होते हैं पे मिनिमम अगर तुम्हें जो भी काम खराब करने वाला जो इसका कॉल होगी वो बता देगी आपको कि मिनिमम कितने बना सकते हैं ठीक है जैसे इस केस में जीरो थी तो आगे तुम एक्सपेंड मत करो तुम्हारा आंसर यहीं पर ठीक है तो इसी वजह से हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे होते हैं बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस वजह से मैंने आपको अच्छे से थोड़ा टाइम लगा के समझाया चलो अब आई होप आपको समझ में आ गया कि हम करना चाह क्या रहे हैं ठीक है क्या करना चाह रहे हैं हर जगह जाएंगे सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तू मेरे को बता तू मेरे को बता रिकर्टन से तू मेरे को बता ठीक है ये जीरो ये नहीं बताएगा ये अपने ये अपने तीनों जगह स्क्वायर जाके देखेगा है ना ये वाला अपने देखेगा स्क्वायर जाके थ्री की तो बनेगी नहीं तो यहाँ नहीं देखेगा है ना ऐसे करके ऐसे करके हम हर जगह देख रहे होंगे है ना ऐसे करके हर जगह देख रहे होंगे कि भाई तू बता तू बता तू बता और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा फाइन पता है आपको कैसे चल रहा होगा ये ऐसे चल रहा होगा इस वाले इस वाले जीरो से पूछेंगे कि भाई तू बता कितने स्क्वायर्स बनेंगे ये बोलेगा जीरो इस वाले वन से पूछेंगे कितने स्क्वायर्स बनेंगे एक तो ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया तो कितने स्क्वायर्स बन गए तीन तो ये बोलेगा मेरे पास बनेंगे तीन स्क्वायर इस वाले वन से पूछेंगे तेर से कितने बनेंगे एक वन बाय वन का एक टू का तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए दो स्क्वायर्स तो ये बोलेगा दो इससे कितने बनेंगे इससे एक बनेगा है ना ऐसे आप कर करके देखोगे पता चल जाएगा इससे एक बनेगा इससे दो बनेंगे इससे दो बनेंगे इससे एक बनेगा है ना इससे जीरो बनेंगे इससे एक बनेगा इससे कितने स्क्वायर बनेंगे? एक बनेगा इससे एक बनेगा तो टोटल कितने स्क्वायर होगा थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन

सो so, ये वाला ये वाला हमारा फंक्शन है इसमें हमको ये मैट्रिक्स मिली है ठीक है ये मैट्रिक्स मिली है फाइन हमको क्या करना है हमें फाइंड करना है कितने स्क्वायर तो ठीक है हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे इसमें रखते देंगे कितने स्क्वायर चाहिए हमको अभी हमारे पास एक भी स्क्वायर नहीं मिला हमको लेट से है ना एक भी स्क्वायर नहीं मिला अब क्या करेंगे दो फोर रूप लगा के हर इंडेक्स पे जाके पूछेंगे कि भाई तेर से कितने स्क्वायर हैं तो रिकर्जन से पूछ देंगे भाई तू बता दे आई जे पे कितने मैट्रिक्स को दे दूंगा अगर तो आई जे से शुरू होने वाले कितने स्क्वायर हैं जो भी आंसर मिलेगा हम उसमें अपने ऐड करे जाएंगे ठीक है ठीक है ये हमने आप अभी आपको दिखाता हूं कैसे काम कर रहा है ठीक है तो बस यही करना है हर बार रिकर्जन पर हर इंडेक्स पे जाके पूछना कि अगर तू टॉप लेफ्ट वन है अगर ये वन है तो ही तो स्क्वायर शुरू होंगे ना अगर तू टॉप लेफ्ट वन है तो तू बता कि तेरे से कितने स्क्वायर शुरू होंगे फाइन तो ये है ये है बस सिंपल से ये करना है वन में अपने ऐड करे जाना है आंसर में आई मीन अपने रिकर्सन से पूछे गएंगे बार बार हर इंडेक्स पे जाके और उसको फाइनली कर देंगे रिटर्न ठीक है ये है रिकर्सिव रिकर्सिव अप्रोच चलो क्या कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे देखते हैं क्या करेंगे इस पे गए ये तो जीरो है नहीं इस पे गए तो ये वाला आई जे जो है इसका आई जे क्या होगा जीरो वन टू जीरो वन टू, थ्री। तो आई जीरो, जीरो है इसमें तो जीरो वन वाले इंडेक्स को पास कर देंगे और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन आ गया इसमें अगर देखो अगर हम रिकर्सिव से रिकर्जन फंक्शन लगा लगा कि अगर आई अगर हमारा माइनस वन या उससे कम हो जाए या फिर आई हमारा टू या उससे ज्यादा हो जाए या हमारा जे जो है माइनस वन या उससे कम हो जाए या थ्री या थ्री थ्री से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है और आगे स्क्वायर्स नहीं मिलेंगे या फिर जीरो मिल जाए तो आगे स्क्वायर नहीं मिलेंगे तो उस केस में हमारा आंसर जीरो है ठीक है कॉर्नर के है आई I मीन mean, रिकर्सन बाहर चले जाए ना बेस केस सही है बेस केस सही है, है हमारे पांचों है ना अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा वन तो था ना तो एटलीस्ट वन बाय वन का तो तुम्हें मिलेगा फिर उसके बाद क्या करना है तुमको फिर उसके बाद क्या करना है आंसर में आ, मैंने यहाँ पे वन लिख रखा है एक काम करो इससे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो इसको आ, जीरो कर दो अभी यहाँ पे जीरो कर दो एक ही बात है ना एक ही बात है एक ही तो बात है ना इनिशियली हमने आंसर में जीरो लिखा है तो यहाँ पे जीरो लिख दो या फिर यहाँ पे इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर दो इंट आंसर इक्वल टू कुछ भी कर दो ठीक है जो आपका मन करे वो कर दो अच्छा यहाँ पे वन लिखना थोड़ा अजीब लग रहा था उसको ओवर करके हम लग रहे थे ठीक है तो वन प्लस वन प्लस क्या कर रहे थे हम नीचे जाके देख रहे थे या जे प्लस वन राइट में जाके देख रहे थे जे प्लस वन कब होगा जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो जे प्लस वन क्या होगा आई सेम रख के यहाँ पे उसके बाद आई प्लस वन जे यहाँ पे जाके देख रहे थे I one, J one, यहाँ पे तीनों जगह जाके देखेंगे तीनों से रिकर्जन से अपना आंसर मांग के देख लेंगे भाई तू 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 बता 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 दे 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 और वन प्लस कर जाएंगे और फाइनली अपना कर देंगे आंसर रिटर्न ठीक है यही कर रहे होते ना मिनिमम फाइंड करके आपको अच्छे से समझाया था मैंने तो यही कर रहे हैं इसमें रिकर्जी फंक्शन में, में फाइंड कर करके हमको पता चल जाएगा कि इस अगर हमने ये वाला जीरो वन पास करा तो इससे शुरू होने वाले जो है थ्री स्क्वायर हैं तो हम यहाँ पे जीरो के साथ थ्री एड कर देंगे है ना

ओके गाइस ओके ये देखो मैंने ना अगर अगर मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ अगर मेरा यहाँ पे सपोज करो वन होता अगर तो फिर मैं डिसीजन ट्री लगाता था यहाँ पे वन होता तो मैं डिसीजन ट्री लगाता और इस डिसीजन ट्री से पूछ रहा होता कि भाई तू मेरे को बता तू मेरे को बता कि तेरे से शुरू होने वाले कितने वन है तो मैं ऐसे करके तोड़ रहा होता फिर इससे पूछ रहा होता ऐसे करके तोड़ रहा होता इससे पूछ रहा कर रहा था ऐसे करके तोड़ रहा होता तो ये सिर्फ इस वाले इंडेक्स पे जब हम जाके पूछेंगे तो उसका डिसीजन ट्री है ठीक है तो इसमें हमें कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल रही है मिल रही है क्या देखो अगर हमने इस बार वन वन का आंसर अपने पास कहीं जाके स्टोर करके रख लिया होता है ना रख लिया होता तो हमको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इसी को ही उठा के रिटर्न मार देते यही करते ना यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती और जैसे जैसे वन टू है वन टू को हमने अगर रख लिया होता तो यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती देखा कितनी सारी है टू वन को रख लिया होता हमने तो टू वन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती कितनी सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है अंदीस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है और देखो और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं ये वाला ट्री तो सिर्फ जब हमने इस पे जाके पूछा है तब है जब मैं इस पे आऊंगा तब भी तो एक डिसीजन ट्री बनेगा तब भी तो रिकर्जन लगाएंगे हम तो जब डिसीजन ट्री बनेगा वो कैसा होगा वन जीरो।, वन जीरो से हम क्या पूछ रहे होंगे आ, मेरे को वन वन दे दे मेरे को टू जीरो लाके दे दे मेरे को टू वन ला के दे दे और फिर ये बढ़ रहा होगा अगर हमने यहाँ पे वन वन की रख दी होती तो हमें इसको इसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ता तो इस वाले ट्री की वैल्यू हम इस वाले में भी यूज कर रहे होते अगर हमने कहीं स्टोर कर करके रख ली होती और ऐसे कितने डिसेंट्री बनेंगे वन टू थ्री फोर इन टू थ्री ट्वेल्व डिसंट्रीज बनेंगे अगर हमने सबकी इस इस बार इसी बारे में हमने अगर सबकी स्टोर कर करके रख ली होती इन गिनती चुनती की आई I मीन mean इन बारह वैल्यूज को अगर हमने इंडेक्स को स्टोर कर करके रख लिया होता तो इतने सारे डिसेंट्रीज में जो तो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आती तो उसको हम बचा लेते तो यार रिकर्जन वाला तरीका तो हमारा बेकार है इसको समाउन को ऑप्टिमाइज करना है तो हम इसको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं इस वीडियो में यूजिंग मेमोइजेशन क्या करेंगे हमारा वेरिएबल क्या है हमारे वेरिएबल क्या है मेरे को बताओ वेरिएबल क्या है हमारा वेरी हो रहा है सिर्फ आई एंड जे तो अगर हम एक आ, एन क्रॉस अगर एन रोज है और एम कॉलम्स है अगर हम एक एन क्रॉस एम की वैल्यू रख दें तो अगर हमारी आई जे की वैल्यू लेट से ये जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री अगर आई जे की वैल्यू वन वन है अगर हमने एक बार इसको वन वन को कैलकुलेट करके यहाँ पर रख लिया होता तो हम आगे आगे यहां का ट्री बन रहा था और ये वाला इनको इनको नहीं कैलकुलेट कर रहे ना यहीं से उठा उठा के दे देते देते है ना यहीं से उठा उठा के दे, दे थे। तो हम वही करेंगे टू डी एरे बनाएंगे एम क्रॉस एन का और फिर हम उसको क्या कर देंगे स्टोर करते जाएंगे ठीक है तो कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे कैसे करेंगे आ या एक एरे बना लेते हैं एक एरे बना लेते हैं से सॉरी इंट मेमो नाम का एरे बना लेते हैं क्योंकि मेमो एशन कर रहे हैं क्या क्या लेंथ होनी चाहिए उसमें आई जे की वैल्यू हमारी आई की वैल्यू मैक्सिमम एन माइनस वन जाएगी और जे की वैल्यू मैक्सिमम एम माइनस वन जाएगी तो उसी वही बना लेते हैं और इसको हम पास कर देते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है पास कर दिया इस रिकर्सिव फंक्शन में है ना इस रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दिया और क्या करते हैं इसको हम चेंज कर लेते हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स में अब हमारे पास ये मेमोइजेशन वाला फंक्शन भी है तो अब हम पूछेंगे कि यार अगर अगर हमारा आई जे प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो चुकी है तो यहां पे ना जीरो नहीं पड़ा हुआ होगा इंडेक्स uh, पे मेमोइजेशन वाले तो इसको रिटर्न कर जाओ तुमने सॉल्व कर रखी है तुमने सॉल्व कर रखी है इसको रिटर्न कर जाओ आगे सॉल्व मत करो पर अगर ऐसा नहीं है तो आगे सॉल्व करो अगर ऐसा नहीं है तो आगे सॉल्व करो आगे सॉल्व करो मैं इसमें पास कर इनके में, हाँ, आगे करो, और रिटर्न करने से पहले ना उसको स्टोर करके रख लो सो so डेट अगर दोबारा से ये प्रॉब्लम पूछी जाए तो तुमको रिकर्जन ना लगानी पड़े वहां पे आंसर भी लिखा रहते थे तो उससे भी काम चल जाता ठीक है तो तुमको रिकर्जन ना लगानी पड़े देखो क्या कर रहे हैं

उसका uh, देखी। हमने recursion देखा, recursion का देखा, उसके उसका कोड वगैरह सब देख लिया तो इस वीडियो में इतना ही आई होप आपने आ, आपको समझ में आ गया होगा अच्छा सा तो नेक्स्ट वीडियो का आ, जो है टेबलेशन वाला वो मैं जल्दी बनाता हूँ अभी के लिए इतना ही ठीक है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस